क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आरडी शर्मा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है. राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x. हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है. तो इसके लिए आप क्या करो, x को 0 रिप्लेस करो. क्या करो, डायरेक्टली x को 0 रिप्लेस कर दो. तो x को 0 डालोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0. तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0. कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 0. तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0. तो ये बना 0 अपॉन 0. तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0 अपॉन 0 फॉर्म में है. देखो 0/0 फॉर्म में तो दो मेथड, या तो लॉपिटल लगा लो या फिर क्या करो, या तो फिर फॉर्मूला लगा लो. तो आप देखो फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे बने, क्या बनेगा. अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखो प्रॉब्लम को मैं एक बार लिख देता हूं. यहां पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x. अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस 2x के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x. अब देखो रूट को दोनों अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी होल रेस्ट टू पार एम, तो हम दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हैं, a रेस्ट टू पार एम इंटू बी रेस्ट टू पार एम. तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन x. अब देखो अब आपने पढ़ा है कि अगर ऐसा कुछ करो कि यहां से मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो और ये स्क्वायर और रूट तो आप कैंसिल कर सकते हो, बट सिर्फ एक्स नहीं लिख सकते. क्या लिखना होता है, मॉड ऑफ एक्स, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है. और हम ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों हम मॉड लगाते हैं, जब हम इस स्क्वायर को ये रूट से कैंसिल करते हैं तो हम क्यों मॉड लगाते हैं. बेसिक सकते हैं, बस इतना सा मीनिंग है कि आपको एक्स नहीं पता कि क्या है. एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अब जैसे देखो अगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर रहा और आपने ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा. बट अगर हम ऐसे सॉल्व करें, देखो माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे पूरी प्रोसेस से करें तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाता है. तब देखो इसी को हमने सॉल्व करा 3 आया, यहां पर इसी को सॉल्व करा था माइनस 3 आया था. तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक का रिजल्ट 2 आ जाए. अब देखो माइनस दोनों तो सेम ही है ना, दोनों का रिजल्ट अलग अलग कैसे आ सकता है, सेम ही आना है. और आपको पता है कि स्क्वायर रूट का जो भी रिजल्ट है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसकी इसका मतलब आप एक्स को यहां पर रिप्लेस तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हो, और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है. मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो भी रिजल्ट है कभी भी नेगेटिव नहीं आता. तो नेगेटिव नहीं आता तो मॉड लगा दो. मतलब ऐसा हमारे पास क्या कोई चीज है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर जाए, तो मॉड है. तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो रहा है तो हम ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल कर सकते हैं. बस एक्स की जगह एक्स नहीं आएगा, सिर्फ मॉड ऑफ एक्स के साथ आएगा, मतलब मॉड के साथ आएगा. तो ये अब याद रख लो कि एक्स इस अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो हम इसे मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं. ठीक है, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स. तो उसी तरह से ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल कर सकते हो, बट आपको मॉड लगाना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉड साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स. अब देखो मॉड है और अगर आप ये 0 डालोगे यहां पर, मतलब आप देखो फिर उसके बाद कि ये अंदर वाला क्वांटिटी कब 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पर sin x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू 0.
मतलब लिमिटिंग पॉइंट पर ही ये जो है अंदर वाला जीरो हो रहा है, अगर अंदर वाला लिमिटिंग पॉइंट पर जीरो हो रहा है, मतलब अब देखो अंदर वाला कब जीरो होता है, साइन एक्स कब जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर, एक्स इज इक्वल टू टू पाई पर एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब देखो एक वैल्यू जो है वो लिमिटिंग पॉइंट वाली ही है। अब देखो एक्स अप्रोचेस टू जीरो और एक्स ये मॉड ये जो अंदर है वो भी जीरो पर जीरो हो जाता है। तो फिर मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अब मतलब अंदर वाला मतलब ये वाला जो पार्ट है, अगर ये इस लिमिटिंग पॉइंट पर जीरो होता है तो फिर आपको मॉड ओपन करना पड़ेगा, तब तो नहीं कुछ कर पाएंगे। और इसलिए भी ओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हो सकता है कि डेफिनेशन चेंज कर जाए, क्योंकि अंदर वाला जीरो हो रहा है। अब जैसे देखो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब देखो जीरो पर ये जीरो, अंदर वाला जो एक्स, यहाँ पर जीरो डालोगे जीरो हो जाएगा, तो जीरो पर अंदर वाला ये वाला अंदर वाला जीरो हो गया। तो आप देखो जीरो पर डेफिनेशन भी चेंज कर गई, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स आ रहा है, माइनस के लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर अंदर वाला जीरो हो रहा है तो फिर तो ओपन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें मॉड आ गई तो हमें पता चल गया कि दिक्कत हो सकता है, बस आप इतना समझ लो, ये बोल जाओ। अगर ये चीजें नहीं समझ आए क्या अंदर जीरो था, बस आप इतना रखो, इतना याद रखो यहां तक हम पहुंचे थे, ये स्क्वायर को ये रूट से कैंसिल करा तो फिर मॉड लगाना होता, लगा दिया, ठीक है, यहां तक पहुंचे थे। अब मॉड फंक्शन आ गया ना तो लिमिट वेरी कर सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो। अब हम सिंपली लिमिट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने साइन एक्स अपॉन एक्स वन पढ़ा, मॉड ऑफ साइन एक्स के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। मॉड आ जाएगा तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब स्पेशल टाइप के फंक्शन आ जाए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया और एक्सप्रेशनल पार्ट फंक्शन आ गया, तो जितने भी नाम वाले फंक्शन अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से, राइट हैंड लिमिट अलग से, और देखेंगे कि दोनों अगर सेम आ रहा तो फिर तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू वो हो जाएगी, नहीं आ रहा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम सॉल्व करते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। यहां पे लिख दो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो और एक्स को क्या क्या चीज से रिप्लेस करते हैं, देखो एक्स को ए माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, तो ए क्या है जीरो, तो एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जीरो माइनस एच से, मतलब एक्स को माइनस एच से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ टू मॉड ऑफ माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व करा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन एच
अपॉन में माइनस एच। और आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x क्या होता है, ये वन होता है, तो बिल्कुल हम इसे वन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये पूरा वन तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब आप इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करो। देखो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टू मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कुछ। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को, मतलब ऐसा कुछ को क्या लिख लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ए प्लस एच, हाँ बिल्कुल ए प्लस एच। तो यहाँ पे इसको क्या लिख लो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, आप देखो ए कंपेयर करो, ए की जगह क्या है जीरो, तो जीरो प्लस एच आ जाएगा, मतलब सिंबल एच आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एच अपॉन एच। और यहाँ पर आप याद रखना कि एच जो है आपका वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, एच आपका मान लो आप 0.00001 है, ठीक है, तो अगर आप क्वाड्रेंट वाइज भी देखोगे तो यहां पर आता है जीरो, और जीरो के हल के आगे जाओगे तो यहां पर आ जाएगा मान लो 0.001। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव से ही ओपन होगा, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच, और ये वन हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू वन स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो ये था लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, तो दस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फिर जो गिवन लिमिट है वो ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। Therefore, limit x approaches to 0 square root of 1 minus cos 2x upon x does not exist. Okay. But अगर आप यहाँ पे लॉपिटल लगाते हैं ना तो ये हो जाता ये प्रॉब्लम। देखो मैं कर दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे लॉपिटल लगा देते अप्लाई, अगर बिना आप ऐसे किए एल हॉस्पिटल लगा देते तो फिर क्या होता, क्योंकि प्रॉब्लम तो 0.0 फॉर्म में बन ही रहा है तो लॉपिटल तो लगा ही सकते। लॉपिटल लगाओगे तो क्या होगा, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा, तो अब देखो आपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या पढ़ी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा। अब देखो इस पूरे को x रीड करो तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, और अब देखो आपने अंदर वाले को x रीड करा था तो उसके भी डिफरेंशिएशन करो, 1 की हो गई 0 और माइनस cos 2x की, माइनस cos 2x की हो जाएगी माइनस sin 2x, और फिर 2x की करोगे तो 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में x तो हो ही गा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये बना साइन टू एक्स अपॉन में, ये इन दोनों के साथ आ गया एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स। और आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो क्या करो, अब देखो यहाँ पर जो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, तो एंगल में टू एक्स है तो नीचे टू एक्स बनाओ, तो टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तब देखो ये पूरा वन हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स,
और आप देखो टू डालो और यहाँ पर जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन, तो वन माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, तो दैट विल बी टू अपॉन जीरो, टू अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी सेम आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आप देखो एक बार हम फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक तो आप क्या कर सकते हो कि ग्राफ से बता सकते हो और दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो हम पहले आपको ग्राफ से करना सिखाता बताते कि अगर हमको ग्राफ से करना है तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, जीरो पर जीरो और वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन होता है। ग्रेटेस्ट, अब देखो टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो मतलब टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू नहीं होता, इसलिए टू पर ओपन आ गया, टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू होता है, ठीक है। और थ्री पर थ्री नहीं होता तो इसलिए थ्री पर ओपन आएगा, ओपन सर्कल। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस वन पर माइनस वन होता है और यहाँ पर ओपन आता है, क्योंकि क्या जीरो पर जीरो नहीं होता है असली। अब देखो हम डिटेल ग्राफ तो नहीं बता पाएंगे, आपको कैसे बनता है वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो थोड़ा अभी के लिए, क्योंकि आपको ये बताएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ डिस्कस करने बैठे तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे। तो आप देखो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, आपको जीरो नेगेटिव पर निकालना है, तो ये है जीरो। अगर आप इस साइड से आओगे, इधर राइट हैंड साइड से, ठीक बोल रहा हूँ ना, हाँ राइट हैंड साइड से आओगे तो यहाँ पर आएगा जीरो पॉजिटिव। अगर आप जीरो की तरफ लेफ्ट साइड से आओगे, देखो हम इस साइड से आ रहे हैं, तो ये हो गया जीरो नेगेटिव। तो आपको जीरो नेगेटिव पर बताना था, तो देखो जीरो नेगेटिव पर वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन, ये माइनस वन का ही लाइन है ना, ये माइनस वन है तो माइनस वन, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, दैट इज इट, सिंपल सा था। अगर आपको फिर भी कि नहीं हम तो हम ये ऐसे तो नहीं करेंगे, हम तो जो जानते हैं वही करेंगे, तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने के लिए आप लिखते हैं हम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं ए माइनस एच, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, जीरो माइनस एच, जो कि बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एच। माइनस यहां से आप निकाल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एच। और जीरो पर फिर भी तो आप पाना ही पड़ेगा, देखो जीरो पर जीरो एच, यहाँ पर जो एच जीरो को जो अप्रोच कर रहा है वो जीरो पॉजिटिव होता है बेसिकली, मतलब जीरो जो होता है वो लमसम जीरो पॉइंट जीरो, मतलब एच ऐसा समझ लो कि ये होता है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन,
मतलब 0.001 यहाँ पर आएगा और उस पर क्या है वैल्यू, जीरो है, तो जीरो आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए माइनस को नहीं निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, वो गलती कर दिया मैंने, हाँ ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। तो यहाँ पर ये होता, वो डालोगे तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 0.0001, तो वो तो यहाँ पर ही आएगा जिसके वैल्यू माइनस वन आएगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप ग्राफ का यूज करो तो बेटर रहेगा, ऐसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ग्राफ से करो, देखो ग्राफ से कितना इजी हो गया। आपको फील भी आया होगा कैसे माइनस वन आ रहा है, कुछ चीजें ग्राफ के लिए ही बनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन सब की लिमिट निकालने के लिए ग्राफ बहुत बेटर चीज है, इससे एकदम फील आ जाता है इसको, इससे लगेगा ना कि हमने सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करा है और दैट इज इट, और कुछ भी नहीं, इससे फील आएगा कि हमने कैसे सोचा है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई अगर आपको इसके लिमिटिंग बतानी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप क्या करो, ग्राफ बनाओ किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, 1, 2, 3। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पर 0 होता है, बट 1 पर क्या होता है, 1 पर तो 1 पर 1 होता है, उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 तक वही जाता है, बस 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, उसके बाद फिर स्ट्रेट जाओ। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 पर 3 होता है, ठीक है, तो फिर वहां पे ओपन, इसी तरह से थोड़ा सा इधर भी बना लो आप, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 पर -1 होता है, तो कुछ ऐसा, तो यही ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखो आपको 0 पॉजिटिव पे निकालना है, तो 0 पॉजिटिव क्या होगा, आप राइट से आओगे, ये है आपका 0, राइट से आए यहाँ पर होगा 0 पॉजिटिव। अब देखो 0 पॉजिटिव पर वैल्यू क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, दैट इज इट। अगर आपको मैथमेटिकली भी करना है तो ये हमने ग्राफिकली करा, ठीक है, ग्राफिकली करा, और आपको पता है कि मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच विच इज इक्वल टू, मतलब इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, और फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एच अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एच, और आपका एच जो होता है वो 0.0001 होता है, तो ऐसा मान लो बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है एच, तो ऑब्वियस यहाँ पर आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ का ही यूज लेना पड़ेगा, ठीक है, बिना ग्राफ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन फिर वो लगेगा ना कि आपने मैथमेटिकली बस लिख दिया है, फील नहीं आएगा, फील तो ग्राफ ही देगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ये हमेशा आप याद रखना कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, तुरंत ग्राफ ड्रॉ करना, इजिली से लिमिट सॉल्व हो जाएगा, कैसा भी लिमिट आ जाए ग्राफ ड्रॉ करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जैसे आप फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ
पार्ट क्या है? राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वन नेगेटिव की वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की। और अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये जीरो है, यहां से कुछ ऐसा, ये वन मान लो, ठीक है, तो यहां पर ओपन सर्कल आता है, वन पर ओपन आएगा, जहां पर इंटीजर डालोगे वहां पर ओपन आता है। वन से लेकर टू तक, टू पर ओपन आएगा, ठीक है। फिर यहां पर अगर आपने थ्री डाला तो यहां से ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। माइनस वन से जीरो पर भी ऐसा ही कुछ आएगा। फिर माइनस टू से ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ठीक है। तो हमें वन नेगेटिव पर बात करना है। तो अब देखो, वन है, वन पॉजिटिव इस साइड, वन नेगेटिव इस साइड। तो आप इस साइड से आओ, इस साइड से आओगे तो वन नेगेटिव आएगा यहां पर। तो वन नेगेटिव पर क्या है? अब देखो, जीरो से वन है ना, और यहां पर आ रहा है ऑलमोस्ट, मतलब वन नहीं है, वन से कुछ कम ही होगा, तो ऑब्वियस मान के चलो कि ऐसा कुछ आने वाला, 0.999। तो इसके लिए बेटिंग वैल्यू आएगी 0.999, और ये चलता जाएगा। जो कि ऑलमोस्ट वन आएगा, ऑलमोस्ट वन आएगा, अप्रोक्सीमेटली वन ही होगा, मतलब 0.999 को क्या ले सकते हो, वन ही लिख सकते हो। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन आएगी। ये तो ग्राफिकली आप देखा तो एग्जैक्टली ये आएगा, बट अगर आप मैथमेटिकली चलोगे ना, मतलब ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो, एक तरीका और होता है ऐसे सॉल्व करने का। अब देखो, वन नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैलकुलेट करो वन नेगेटिव पर। तो ये रहा वन, ठीक है, ग्राफ यहाँ पे हमने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। वन पर देखा तो वन नेगेटिव पर क्या आ रहा है? ये वन नेगेटिव, ये है वन पॉजिटिव। वन के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड वन नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड वन पॉजिटिव, दैट इज इट, ठीक है। वन इस साइड से आया, वन नेगेटिव, राइट साइड से आया, वन पॉजिटिव। वन पॉजिटिव का मतलब है वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, वन नेगेटिव का मीनिंग है कि वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो इस साइड आएगा वन नेगेटिव, उस साइड आएगा वन पॉजिटिव। वन नेगेटिव पर क्या है? जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव, ऐसा भी कर सकते थे आप, एक्स माइनस जीरो। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एक्स, तो क्या हो जाएगा? वन ही हो जाएगा, ठीक है। सिंपली वन डाला तो फिर कोई दिक्कत थी नहीं, तो हो गया। ऐसे यहां पर भी आप ग्राफिकली चेक करोगे तो 0.999 ही आने वाला है। अब देखो, इसको y ले लो, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बना। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। वन पर क्या आता है? वन पर तो वन आता है, ठीक है, बट आपको वन नेगेटिव मतलब यहां पर आओगे तो वन नेगेटिव मतलब ऑलमोस्ट यहां पर आएगा, वन तो नहीं आएगा ना। अगर आप ग्राफ से चेक करो तो आपको ग्राफ से एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है। अब देखो, वन नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, वन से थोड़ी सी छोटी आ रही बस, लेकिन इतना ज्यादा छोटा नहीं है, मतलब आ ऐसा कुछ रहा है 0.999999999999, जो कि अप्रोक्सीमेटली वन ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने वन लिख दिया, ठीक है। बट आप ग्राफ से देख पा रहे हो एग्जैक्टली वन नहीं आ रहा, एग्जैक्टली वन नहीं आ रहा, बट हम इस पूरे को भी वन लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने वन लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं।
नेक्स्ट फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। देखो ये प्रॉब्लम बहुत इजी होता है अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया ना, देन इन सारे प्रॉब्लम से कुछ होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं होता, बस ग्राफ करो ड्रॉ करो और ऐसी हो जा रहा है प्रॉब्लम। अब देखो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ग्राफ के लिए जाओगे, क्या करोगे ग्राफ के लिए ही जाओगे। ऐसे तो मैंने क्या है बहुत बार ग्राफ बनवा दिया तो आपको याद हो जाना चाहिए। देखो जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो होता है, वन पर वन तो होता नहीं, मतलब वन पर वन होता है जीरो नहीं होता है, मैं ये कहना चाह रहा था गलत बोल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन पर वन होता है। फिर ये सीधा स्ट्रेट लाइन टू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू होता है, इंटीजर पर इंटीजर होता है, बस इतना ध्यान रखना। इसी तरह से जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीधा जाएगा, बस थ्री पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थ्री हो जाएगा, तो वहां पे ओपन आएगा। इसी तरह इस साइड बना लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस वन होता है, बट जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो होता है, माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस टू होता है, माइनस वन का माइनस वन होता है, तो ओपन अंदर का कुछ ऐसा। ठीक है अब आप जीरो नेगेटिव, अब देखो इस साइड से आओगे तो ये आएगा जीरो नेगेटिव, इस साइड से आओगे तो ये आएगा जीरो पॉजिटिव। अब देखो जीरो नेगेटिव पर वैल्यू क्या आ रही है, जीरो नेगेटिव पर वैल्यू माइनस वन आ रहा है, तो माइनस वन डाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह माइनस वन डाल दो, हो गया खत्म। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यह हो जाएगा माइनस साइन वन अपॉन में माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यह हो गया साइन। बिल्कुल हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर कहीं कभी भी सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अब देखो सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, बस आपको लिख देना है, ठीक है। उस केस में अगर सब्जेक्टिव पूछ दिया, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो फिर तो हम ऐसी ग्राफ बनाएंगे और खत्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी सब्जेक्टिव भी तो पूछ सकता है, तो आप क्या करना है सिंपली लिख देना ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव को हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स रहे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, तो हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन में माइनस एच, और बस ऐसा लिख देना ऐसा, ठीक है ऐसा, और बस हो गया। बस ये ध्यान रखना कि हम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन से माइनस कॉमन नहीं ले सकते, ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिक्स है, मैंने यहाँ पे राइट द वैल्यू लिखना भूल गया, बस हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। तो अब क्या करो सिंपली पाई रिप्लेस करके चेक करो कौन सी फॉर्म है, तो साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई, साइन पाई जीरो पाई माइनस पाई भी जीरो, तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। अब देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में तो दो मैथ, या तो आप सॉल्व कर लो या तो फिर लॉपिटल लगा लो, तो लॉपिटल वाला तो हम करा देंगे, उसमें तो कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड बताऊँ, आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अब देखो लिमिट जो है वो जीरो को भी अप्रोच नहीं कर रहा और पॉलीनोमियल भी, तो इनकेस
इन दैट केस मैंने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूट लगाओ, तो पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू x माइनस पाई, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, पाई प्लस पाई, इसको इधर ले आओ। अब एज x अप्रोचेस टू पाई, y किसको अप्रोच करेगा, x की जगह पाई डाल दो, पाई माइनस पाई जीरो, तो एज x अप्रोचेस टू पाई, y जो है वो जीरो का अप्रोच करेगा, लगा दो ये, तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो साइन x की जगह पाई प्लस वाई अपॉन में y, और आपको पता है कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन y अपॉन में y, और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x क्या होता है, ये वन होता है, तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये वन, तो वाकई बात क्या, माइनस वन। अगर आपको एल हॉस्पिटल से भी करना तो आप उससे भी कर सकते हो, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो ये क्या बोलता है, न्यूमरेटर की डिफरेंसिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स की डिफरेंसिएशन ऊपर की करोगे तो मतलब न्यूमरेटर की साइन एक्स की डिफरेंसिएशन कॉस एक्स, और एक्स माइनस पाई की, तो एक्स की वन माइनस पाई की जीरो डाल दो, कॉस पाई माइनस, दैट इज इट, खत्म हो गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब देखो एक बार फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x, हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x है, ये है साइन इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी निकालना है, अगर आप देखोगे, अब मैं बस इतना बोल सकता हूं कि साइन इन्फिनिटी, साइन की रेंज क्या होती है, साइन की जो रेंज है मतलब साइन एक्स जो है वो माइनस वन से वन के ही बीच में लाई करती है, और आपको पता हो कि हम यहाँ पे एक्स को रियल, पूरे रियल में से कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप अगर आपने साइन के बारे में पढ़ा हो तो साइन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज होता है माइनस वन टू वन, मतलब आप कुछ भी रिप्लेस कर लो, कोई सी भी वैल्यू रिप्लेस कर लो, क्या होने वाला है, माइनस वन और वन के बीच में ही आने वाला है, तो आप यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस करोगे तो वो माइनस वन से वन के बीच में रिप्लेस करोगे, ठीक है, और इस पूरे रेंज के में से किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी लगा लो, किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी लगा लो वो जीरो ही देगा। अब जैसे देख लो, माइनस 0.5 अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, 0.5 अपॉन इन्फिनिटी वो भी जीरो, जीरो अपॉन इन्फिनिटी ये भी जीरो, जीरो अपॉन इन्फिनिटी जीरो होगा, आप देखो जीरो, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन जीरो, सॉरी वन अपॉन जीरो, तो ये जीरो घूम के जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी जीरो, मतलब, लेकिन मैं इसके करेक्ट, अगर आपको डेफिनेशन अगर आपको करेक्ट वे में कराऊं तो यहाँ पर आप सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन, मैंने आपको बताया है शायद से मुझे याद है, अगर कोई फंक्शन दो जी एफ ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दो फंक्शन के बीच में है और लिमिट लगा रहे हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स, और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स अगर एल आ रहा है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स ये भी एल आ रहा है, तो देन दिस इम्प्लाइज के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स भी एल हो जाता है, मतलब अगर एल लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू एल,
तो फिर इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू ऑब्वियस बात है हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू एल। तो अब देखो यहाँ पर साइन एक्स जो है वो माइनस वन से वन के बीच में है। अब एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन वन, दोनों साइड लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स। ठीक है, इन्फिनिटी डालोगे वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये भी जीरो। तो भाई देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे ठीक लगे आपको। तो आप देखो एक बार फर्दर प्रोसीड करते हैं।